एवरीवन, आज का हमारा चैप्टर है इन द किंगडम ऑफ फूल्स। इसके आज मैं आपको वन लाइनर्स क्वेश्चंस करवा रही हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल्स। तो इसका सही जवाब है ए के रामानुजन। इसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरी इज दिस। तो ये किस तरह की कहानी है। यह कहानी एक फोक टेल है, लोक कथा जो है वह है। तो इसका सही जवाब है आंसर ए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रो लाइट अपॉन। यह स्टोरी किस चीज़ पर प्रकाश डालती है। तो यह स्टोरी जो है वह फूलिश पीपल एंड द डेंजर्स ऑफ दे पोज, मूर्ख लोगों पर प्रकाश डालती है यह कहानी। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस लेसन। इस लेसन का थीम क्या है। थीम क्या है कि फूलिश पीपल आर अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस। मूर्ख लोग जो होते हैं उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और वो ख़तरनाक भी होते हैं। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, वाई आर द पीपल इन द किंगडम कॉल्ड फूलिश। किंगडम में लोगों को फूलिश क्यों कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाई देयर किंग। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का मैसेज क्या है। स्टोरी का मैसेज है, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फूलिश पीपल। मूर्ख लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ द किंगडम। किस तरह से गुरु ने किंगडम के लोगों को बचाया। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है, यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। बाई फ्लैटरिंग द किंग, मेकिंग द किंग बिलीव दैट द न्यू स्टेक विल ब्रिंग फॉर्चून, बाई हेल्पिंग द किंगडम गेटिंग रीड ऑफ द फूलिश किंग एंड हिज सीली मिनिस्टर। तो ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द इडियट्स। इडियट्स कौन थे। इसका सही जवाब है किंग एंड हिज मिनिस्टर। क्वेश्चन है, व्हाट डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज। नाइट विद डे सही जवाब है। नाइट विद डे, दिन रात को बदलना चाहते थे। क्वेश्चन है, हाउ वाज द नाइट चेंज विद डे। रात को दिन में कैसे बदला गया, कैसे बदला गया था। ये ऑप्शन ए में आप देखिए, पीपल वुड वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग डे। लोग रात को काम करेंगे और दिन में सो जाएंगे, तो दिन रात में बदल जाएगा और रात दिन में बदल जाएगी, ये कहा गया था। क्वेश्चन आता है, हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर्स। यहाँ पर बाय थ्रेटनिंग टू किल, धमकी दी जाती थी मारने की। इस प्रकार से राजा के जो आदेश थे उनका पालन करवाया जाता था। क्वेश्चन आता है, हु विजिटेड द किंगडम। किंगडम में कौन आया। तो किंगडम में एक गुरु एंड हिज डिसिपल, एक गुरुजी आए और उसके शिष्य जो थे साथ में वो भी आए थे। सही जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप पे उन्हें क्या मिला। सेम प्राइस फॉर ऑल द थिंग्स। सभी चीज़ों के प्राइस कैसे थे, सेम थे, यानी एक ही प्राइस की सारी वस्तुएं मिल रही थी। क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज द गुरु इनिशियली हैप्पी। गुरु हैप्पी क्यों थे। बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल थिंग्स एट ए नॉमिनल प्राइस, क्योंकि सभी सामान एक नॉमिनल प्राइस पे उन्हें मिल रहा था। नॉमिनल होता है नाम मात्र के प्राइस पे उन्हें मिल रहा था। क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस। उसने उस स्थान को छोड़ने के लिए डिसाइड क्यों किया।
बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर ए लॉन्ग टाइम. उसे लगा कि मूर्खों के साथ ज़्यादा दिन तक रहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह जगह उन्होंने छोड़ दी. क्वेश्चन है, हु लेफ्ट द सिटी? सिटी को किसने छोड़ा? तो यहाँ पर आंसर है गुरु. क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गुरु टेल हिज डिसिपल? गुरु ने अपने शिष्य को क्या बताया? कि ये बताया, बिहेव ऑफ फूलिश इज अनप्रेडिक्टेबल एंड इट वॉज नॉट सेफ टू लिव विद देम. मूर्खों के साथ रहना उचित नहीं है. हु ब्रोक इन टू द मर्चेंट्स हाउस? मर्चेंट के हाउस में कौन गया? तो यहाँ पर ए थीफ, चोर जो था उसके घर में गया. हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट्स हाउस? मर्चेंट के हाउस में चोर कैसे घुस गया था? तो सही जवाब है, बाई मेकिंग ए होल इन टू द वॉल. दीवार में उसने एक छेद बनाया था, उसमें से वह चला गया था. वट किल द थीफ आफ्टर द लूट? वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम. दीवार जो थी उसके सिर पर गिर गई और वह मर गया था. Whom did the thief's brother blame for the death of the thief? Thief के ब्रदर ने उसकी मृत्यु के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया था? मर्चेंट को. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द मर्चेंट एस्केप फ्रॉम द पनिशमेंट? वह पनिशमेंट से कैसे बचा? तो विद हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी से वह पनिशमेंट से बचा था मर्चेंट जो था. क्वेश्चन है, हुम डिड द मर्चेंट होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द थीफ डेथ एंड सेव्ड हिज ओन लाइफ? द मेसन हु बिल्ट द वॉल. उसने कहा कि जिसने दीवार बनाई थी वह कारीगर इसका जिम्मेदार है, तो वह अपनी बुद्धिमानी से बच गया. ऑप्शन बी यहाँ पर सही है. क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? यहाँ पर सही जवाब है, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल. उसने डांसिंग गर्ल पर अपना सारा दोष लगा दिया, तो यहाँ पर सही जवाब है बी. उसके बाद क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द डांसिंग गर्ल सेव हर सेल्फ? डांसिंग गर्ल ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द गोल्ड स्मिथ. अब उसने सुनार पर अपना सारा दोष लगा दिया. क्वेश्चन है, हाउ डिड द गोल्ड स्मिथ सेव हिमसेल्फ? गोल्ड स्मिथ ने अपने आप को कैसे बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन मर्चेंट्स फादर. उसने मर्चेंट के फादर को दोषी बता दिया, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है. फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द मर्चेंट प्लीड? मर्चेंट ने क्या कहा, क्या प्लीड किए उसने? तो उसने कहा, इट वॉज हिज फादर्स डील एंड नॉट हिज. उसने कहा कि उसके पिताजी का डील था, उसका नहीं. फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर्ग्यूमेंट डिड द किंग प्रेजेंट टू पनिश द मर्चेंट? इसका सही जवाब है, ही इनहेरिटेड हिज फादर्स सीन इन द सेम वे एज ही इनहेरिट्स हिज वेल्थ. क्वेश्चन है, व्हाई वॉज द मर्चेंट नॉट एग्जीक्यूटेड? आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज ही वॉज टू थिन टू फिट इन द स्टेक. क्वेश्चन है, हु डिड द किंग डिसाइड टू एग्जीक्यूट इन प्लेस ऑफ द मर्चेंट? ए मैन हु बिकेम फैट बिकॉज ऑफ ईटिंग. ऑप्शन ए. क्वेश्चन आता है, टू होम डिड द सन्यासी प्रे इन द हार्ट बिफोर बींग एग्जीक्यूटेड? गुरु. आंसर जो है गुरु है. क्वेश्चन आता है, हाउ डिड गुरु रियलाइज हिज डिसिपल्स प्लाइट एंड रीच टू सेव हिम इन द किंगडम? आंसर ए ऑप्शन सही जवाब है, विद हिज मैजिकल पावर एंड विजन. क्वेश्चन है, व्हाट डिड द गुरु प्लीड टू द किंग टू सेव हिज डिसिपल? आंसर ए जो है वो सही है,
टू किल हिम फर्स्ट एंड लेटर हिज डिसिपल, उसने सोचा पहले उसे मार देगा फिर उसके शिष्य को मारेगा। क्वेश्चन आता है व्हाट डिड गुरु टेल द किंग, गुरु ने किंग को क्या बताया कि दैट हूसेवर वुड डाई फर्स्ट द गॉड किंग ऑफ जस्टिस वुड बी हैप्पी एंड वुड गिव हिम ए चांस टू रिबॉर्न एज ए किंग। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन है व्हाट मेक द किंग एंड हिज सीली मिनिस्टर गो फॉर द स्टेक फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन आता है व्हाई डिड द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स डिसाइड टू गो फॉर द स्टेक देमसेल्व्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही जवाब है। बिकॉज ऑफ गुरुज वर्ड्स एंड दे आर ग्रीड टू टेक द बेनिफिट देमसेल्व्स। क्वेश्चन आता है हाउ डिड द किंग एंड हिज मैन मेक द गुरु एंड हिज डिसिपल फ्री, ऑप्शन ए जो है बाई डिसगाइजिंग देमसेल्व्स एज क्रिमिनल्स। क्वेश्चन ऑन व्हाट कंडीशन डिड द गुरु एग्री टू बी द नेक्स्ट किंग, ऑप्शन सी जो यहाँ पर सही है उसमें इफ़ ओल्ड लॉज आर चेंज्ड। क्वेश्चन व्हाट वाज द प्राइस ऑफ ऑल थिंग्स ड्यूरिंग द फुलिश किंग्स रूल, आंसर इज वन ड्यूड ईच। यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू द गुरु हुज बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल फुलिश पीपल्स बिहेवियर इज अनप्रिडिक्टेबल, ये सारे क्वेश्चंस जो थे फूल्स ऑफ किंगडम के मैंने आपको बताए, सॉरी किंगडम ऑफ फूल्स जो हैं। तो ये आप जो हैं इसके और कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।